भारतीय जनता पार्टी आधी से भी कम सीटों पर रह जाएगी तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में हुकूमत बनेगी, ये लोगों को आसानी से समझ में आता है जब हम उनको आंकड़ा बताते हैं। ये तो फीता कातू लोग हैं, ये मेट्रो अखिलेश जी ने दी यहाँ पर, और एलिवेटेड रोड भी अखिलेश यादव की सरकार में बनी, बहन जी की सरकार में एक्सप्रेस वे बने, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिल्कुल बराबर में है, गौतम बुद्ध बालक बालिका विद्यालय यहाँ हमारी बिल्कुल बराबर में, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है गौतम बुद्ध नगर में, इतने सारे काम हुए हैं। लेकिन ये लोग, इनके कार्यकाल में एक काम नहीं हुआ, ये केवल हमारे कार्यकाल के, बहन जी के कार्यकाल के और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के फीते काटने में लगे। चुनावी बिगुल बजने के बाद लोकसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर है और पहले चरण के मतदान की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, और आज मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद महागठबंधन के चुनाव कार्यालय पर, और मेरे साथ किसान नेता के तौर पर अगर मैं इनकी बात करूं या फिर बसपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर बात करूं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके संघर्ष के बयां करना शायद मैं बयां भी नहीं कर पाऊँ शब्दों में। मेरे साथ सतपाल चौधरी हैं, मेयर का यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं गाज़ियाबाद से, और अभी जो ग्राउंड लेवल पर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कई जगह काम किया है, राजस्थान में वो काम करके आए हैं, अब यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है गाज़ियाबाद की खासकर, किस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए, एक तरफा माहौल है, जिस तरह से किसान कमेरे लोग उत्पीड़ित हुए इन 5 सालों में केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा, मजदूर की मजदूरी छिन गई और छोटे व्यापारी का रोजगार छूट गया, दलितों पे जो अत्याचार हुआ जिस तरह से, और मॉब लिंचिंग की घटनाएं और धार्मिक उन्माद जिस तरह से भड़का के लोगों को एक तरह से उन्माद में धकेल दिया गया, और युद्ध जैसे हालात, गृह युद्ध जैसे हालात देश में पैदा किए गए हैं, उससे बहुत जल्द ये लोग जल्दी से जल्दी इस सरकार से, इस हुकूमत से छुटकारा पाना चाहते हैं। हम गाँव में जा रहे हैं, हर तबके का आदमी, खासकर किसान कमेरे दलित शोषित अखिलियत के लोग, वो तमाम लोग एक तरफा मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं, और ये जो एक आवरण इन्होंने बना रखा खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने कि आएगा तो मोदी ही, हम बताते हैं लोगों के बीच में जा के, बिल्कुल साफ साफ बात है, उत्तर प्रदेश में हम दावा कर रहे हैं 60+ सीट जीतेगा गठबंधन, लेकिन आम आदमी से भी आप पूछोगे तो इस सवाल का उत्तर देता है हमारे जनसभाओं में भी कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार घटे, वो सांसद घटेंगे, हरियाणा में 10 आए थे 10 में से घटेंगे, दिल्ली में 7 के 7 आए थे 7 घटेंगे, हरियाणा राजस्थान में 25 में 25 जीती थी वो 25 नहीं जीतने जा रही है, 29 जीती थी मध्य प्रदेश में 29 की 29 वो 29 नहीं जीत पा रही है, तो ये पूरा उत्तर भारत में जब भारतीय जनता पार्टी आधी से भी कम सीटों पर रह जाएगी तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में हुकूमत बनेगी, ये लोगों को आसानी से समझ में आता है जब हम उनको आंकड़ा बताते हैं। अच्छा, जिस तरह के चुनाव के दौरान हालात बने हुए हैं, योगी मन से कहते हैं कि मोदी सेना ने ऐसा कर दिया है, तो आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो इन हालातों से कैसे मतलब दो चार कर पाएंगे? देखिए, सारे सरकारी संस्थानों पर मोदी सरकार ने कब्जा किया हुआ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, और जिस तरह से चुनाव आयोग हमारे होर्डिंग पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, झंडे उतरवाए जा रहे हैं, और यहाँ खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा, सेना के जवान किसान कमेरे और गांव देहात से जाते हैं सेना में, और वो देश और वो सेना अपने शौर्य से इस देश की रक्षा करती है, ना तो मोदी के घर से 7 पीढ़ियों में से कोई सेना में गया, ना गृहमंत्री राजनाथ सिंह के परिवार में से कोई आज तक सेना में सिपाही भर्ती हुआ, और ना अमित शाह के घर से, वो लोग तो 16-16 हज़ार गुना अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं, और अब सेना के शौर्य का वो दुरुपयोग करके, और यहाँ इस चुनाव को अब उन्होंने मंदिर निर्माण के मिस्त्री सारे वापस भेज दिए। लेकिन चौधरी साहब, एक बात तो इसमें जग जाहिर है कि सेना में इनमें नहीं रहा हो, लेकिन जो सेना के जनरल रहे हैं, जनरल वी के सिंह, वो यहाँ से सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन उस सांसद ने उनके, अगर हम बात करें जो गोदलिया गांव था, उसकी हालत क्या है, और ऐसी क्या चीज़ें जो रह गई हैं या नहीं हो पाया है जिन पर काम, वो चीज़ें थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। इस देश की जनता जो जनरल साहब के बारे में अच्छी तरह से जानती है, किस तरह से उन्होंने अपनी जन्मतिथि से लेकर और जो जनरल सुहाग बने उनके बाद में, उनको रोकने के लिए, और दो और उनके जूनियर थे जो बनना
बनना जिनका नंबर था जनरल बनने में, किस तरह से उन्होंने कि ओबीसी का कोई आदमी जनरल ना बन जाए उसके कागज़ किस तरह से उन्होंने ख़राब किए हैं वो सब जानते हैं उनके बारे में। 5 साल यहाँ दिखाई नहीं दिए, हम तो उन्हें चुनौती देते हैं कि आप जो मीरपुर हिंदू गाँव में जाओ वोट तो मांग के आओ, आप मडौला में तो जाओ वहाँ चढ़ा चढ़ा के आप भाषण दे रहे थे कि हम किसानों के मुआवजा दिलवाएंगे। हम 2014 में जब चुनाव जीतने की बात थी चुनाव प्रचार के दौरान, हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि वो रहीसपुर सदरपुर गाजीपुरा बमेटे यहाँ के जो 60-62 गाँव के लोग भूमि अधिग्रहण के 1962 में जो भूमि अधिग्रहण हुआ उसके मुआवजे की मांग को लेकर जब धरने पर बैठे थे तो बीजेपी के सारे नेता वहाँ चढ़ा चढ़ा के भाषण दे के आए थे कि हम समाधान कराएंगे, वो जाए वोट मांग के आए वो बता देंगे किसान मजदूर सब लोग अखिलियत के लोग। मैंने सुना है कि सांसद जी ने अपना कहीं हरियाणा में घर नया घर बना रहे हैं, क्या पता चल गया है कि अब सीट नहीं आ रही है? देखिए पिछली बार उन्होंने किराए का मकान लिया गाजियाबाद के राजनगर में और लोग तो दावा यह कर रहे हैं कि उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने जो नामांकन पत्र है नामांकन पत्र में पंचकुला का एड्रेस दिया है, गाजियाबाद का एड्रेस नहीं दिया है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो 11 अप्रैल तक यहाँ हैं और उसके बाद वो जैसे पिछले 5 साल तक हाथ नहीं आए गाजियाबाद की जनता के और लोग पोस्टर लगा के उनके पीछे पीछे घूमते रहे, वही हालत फिर होने वाली है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर विरोध भी जताया जा रहा है खासकर दलित समाज के द्वारा, तो क्या वो बयान जो इन्होंने कभी दिया था दलितों के लिए वो इफेक्ट करेगा? देखिए इफेक्ट इतना करेगा कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद में और जिस आदमी को शब्दों का व्याकरण पता ना हो, जिसको तहजीब ना हो बात करने की, जो दलितों को कुत्ता बोलता हो, जो गुजरों को और जाटों को झगड़ालू बताता हो कि ये झगड़ालू लोग हैं नहीं तो हम इसराइल बना देते इस देश का, तो ऐसे आदमी को तमीज़ होनी चाहिए कि जब करणी सेना पद्मावत फिल्म पे यहाँ उत्पात मचा रही थी देश में तो वो क्या आरती उतार रही थी तब, उनको ये भी तहजीब होनी चाहिए वो जिस बिरादरी से आते हैं। और हम तो कह रहे हैं अभी पद्मावत फिल्म आई थी, हम तो उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम ने जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया और पद्मावत को ये खड़े देखते रहे सारे राजा महाराजा इनके पूर्वज और उसको जौहर करना पड़ा पद्मावत को और खिलजी उस गुस्से में चित्तौड़गढ़ के किले के दरवाजे उखाड़ कर ले गया, इन्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि आप अपनी हिस्ट्री की तरफ नहीं देख रहे, दूसरे लोगों को जो किसान कमेरी जातियाँ हैं उनको झगड़ालू बता रहे हो और कुत्ता बता रहे हो, तुम अपनी औकात देखो ना। और हम वो लोग हैं, हम ही वो लोग किसान मजदूर लोग पद्मावत की उस इज्जत को बचाने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई की और जो खिलजी ने दरवाजे लगाए थे चित्तौड़गढ़ के किले के लाल किले में उनको उखाड़ कर भरतपुर ले गए, वो डीक के किले में आज भी लगे हुए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मीडिया किस तरह का रोल निभा रहा है इस चुनाव में? देखिए मीडिया खुद चुनाव लड़ रहा, नमो चैनल चल रहा, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा हो रहा, चुनाव आयोग चुप है, बिल्कुल चुप बैठा। और हम सबसे बड़ी अपील तो ये करना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी है बहुत सारे विपक्षी दलों में जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी उन्होंने डाली हुई है कि जो ईवीएम की जो वीवीपैट पर्ची है उस पर्ची से 50% जो काउंटिंग होनी चाहिए, और मुझे पूरी शंका है कि यदि उससे काउंटिंग नहीं हुई तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब लोगों में ये आम धारणा बन गई है इनके बारे में कि मोदी बिना कुर्सी के रह नहीं सकता, अमित शाह बिना कुर्सी के रह नहीं सकता, इन्होंने जितने घोटाले किए हैं रिजर्व बैंक का, यदि रिजर्व फंड भी 3,00,000 करोड़ रुपया निकाल के इन्होंने देश को उस हालत में खड़ा कर दिया कि यदि आज कोई आपदा आ जाए, कोई दूसरी खुदा न करे कोई दूसरी बदहाली फैल जाए देश में, तो देश के पास एक कन्ने नहीं है, एक रुपया नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक गाज़ियाबाद में, क्योंकि आप भी चुनाव लड़े हैं, और कुछ मुद्दों को लेकर जिन पर बहुत ज़रूरी है काम होना और हो नहीं पाया है? देखिए डंपिंग ग्राउंड यहाँ बहुत ज़रूरी है, डंपिंग ग्राउंड यहाँ बनना चाहिए। अब 19 साल से यहाँ पे सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत बड़ी मांग है, और तो छोड़ो यहाँ एक इतना छोटा सा पुल है हिंडन नदी का जिसके कारण जाम लगता है, अपने 5 साल के कार्यकाल में वो उस पुल को भी नहीं बनवा पाए, और स्कूल अस्पताल इनके कार्यकाल में 19 साल में एक भी स्कूल एक भी अस्पताल नहीं बना है, नगर निगम में 25 साल से इनका कब्जा है, नगर निगम जो ये इस शहर ने केवल एक उपलब्धि हासिल की है वो उपलब्धि है पूरे विश्व में, ये दूसरे नंबर का पॉल्यूटेड सिटी बन गया, ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपने काम की बात की तो मुझे भी कुछ याद आ गया, एलिवेटेड रोड बना था समाजवादी गवर्नमेंट ने, उससे उस दौर में वो बना था लेकिन उद्घाटन बीजेपी गवर्नमेंट ने हुआ, लेकिन अभी भी उसका पूरा नहीं हो पाया, जो नीचे का जो रोड है वो नहीं बना पाए लोग। ये तो फीता काटू लोग हैं, ये मेट्रो अखिलेश जी ने दी यहाँ पे,
और एलिवेटेड रोड भी अखिलेश यादव की सरकार में बनी, बहन जी की सरकार में एक्सप्रेस वे बने, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिल्कुल बराबर में है, गौतम बुद्ध बालक बालिका विद्यालय यहाँ हमारे बिल्कुल बराबर में, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है गौतम बुद्ध नगर में। इतने सारे काम हुए हैं, लेकिन ये लोग, इनके कार्यकाल में एक काम नहीं हुआ, ये केवल हमारे कार्यकाल के, बहन जी के कार्यकाल के और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के फीते काटने में लगे हुए, फीते काटने में लगे। ये थे हमारे साथ सत्यपाल चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि गाज़ियाबाद के जो मूल मुद्दे हैं उनसे अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, उन मुद्दों पर चुनाव नहीं हो पाया है, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये ठान लिया है कि अब की बार जो सांसद होगा वो स्थानीय होगा, महागठबंधन का जो सांसद है वो इस दौड़ में आगे नज़र आ रहा है। गाज़ियाबाद से तेजिंदर सिंह निशन टाइम।